अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और आजकल दुनिया में मौजूद तमाम तर मुसलमान अपने सभी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूवर्स को दुनिया की सबसे टॉप बुल ब्रीड्स के बारे में बताऊं, जिनमें पाकिस्तानी सिब्बी बाघ नारी नस्ल से लेकर हिंदुस्तानी ब्राह्मण नस्ल के बैल भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, ब्राह्मण। दोस्तों इस नस्ल को बैलों का टर्मिनेटर भी कहा जाता है। इस नस्ल के बैल की हाइट तकरीबन 5.5 फीट या उससे भी ज्यादा होती है और इनका वजन 1100 किलोग्राम से लेकर 1300 किलोग्राम तक होता है, जो कि तकरीबन 30 से 35 मन गोश्त बनता है। इस नस्ल को स्पेशली गोश्त के हसूल के लिए ही पाला जाता है। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि इनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। इसके अलावा ये किसी भी किस्म के एक्सट्रीम वेदर में भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग इस ब्रीड को इंडियन ब्रीड कहते हैं और कुछ लोग इसे अमेरिकन ब्रीड भी समझते हैं। बेसिकली ये नस्ल इंसानों की बनाई हुई है, जिसे बनाया तो अमेरिका में ही गया है, लेकिन इसे बनाने के लिए एक इंडियन नस्ल जीबोइन के बैल को मुख्तलिफ नस्लों की गाय के साथ क्रॉस करवाने के बाद ये नस्ल तैयार की गई है, जिसे अब ब्राह्मण कहा जाता है। अब दुनिया भर में एक ही बैल से ज्यादा गोश्त हासिल करने के लिए ब्राह्मण नस्ल के बछड़े को अमेरिका से इंपोर्ट करके पाला जाता है। दोस्तों एक हेल्दी और एडल्ट ब्राह्मण बैल की कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है। नंबर टू, सिब्बी बाघ नारी। दोस्तों इस नस्ल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के एक इलाके सिब्बी से है। इस नस्ल के बैल की हाइट तकरीबन 6 फीट या उससे भी ज्यादा होती है और इनका वजन तकरीबन 1300 किलोग्राम से लेकर 1600 किलोग्राम तक होता है, जो कि तकरीबन 35 से 40 मन गोश्त बनता है। ब्राह्मण नस्ल को बैलों का टर्मिनेटर कहा जाता है, लेकिन बहुत सी रिसर्चेस के बाद माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तानी नस्ल सिब्बी वेट और हाइट दोनों में ब्राह्मण को पीछे छोड़ देता है। दोस्तों इस नस्ल के नाम पर पाकिस्तान में हर साल एक मेला भी मनाया जाता है, जिसे सिब्बी मेला कहा जाता है। इस मेले में एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिलता है। इसके अलावा सिब्बी नस्ल के बैल ज्यादातर लाइट ग्रे या फिर सफेद रंग के ही होते हैं और इनके सींग छोटे होते हैं। एक हेल्दी अडल्ट सिब्बी बैल की कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों सिब्बी और ब्राह्मण दोनों में से आपको किस नस्ल का बैल ज्यादा अच्छा लगा, और अगर अल्लाह ताला आपको इतनी इस्तेआत दे तो आप इनमें से किस नस्ल का बैल खरीदेंगे, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर थ्री पर है बेस्डेज बुल। इस नस्ल का ताल्लुक फ्रांस से है। इनकी बॉडी मस्कुलर होती है, जिसे देखने में ये काफी ताकतवर और खतरनाक भी लगते हैं। इस नस्ल के बैल की अमूमन हाइट 4.5 फीट से 5 फीट तक होती है और इनका वजन तकरीबन 800 से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है। फ्रांस के लोग इस नस्ल के बैल को ज्यादातर खेतों में काम करने के लिए ही पालते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपने ऊपर वजन उठाकर भी लगातार 12 घंटों तक काम कर सकते हैं। बाजुकात इन बैलों के हमलों से किसानों की मौत होने के वाकयात भी सामने आए हैं। दोस्तों इसके अलावा फ्रांस के लोग इस नस्ल के बैल को गोश्त के लिए भी पालते हैं। नंबर फोर, पार्थनीज। दोस्तों ये नस्ल भी फ्रांस ही से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस नस्ल के बैल या गाय को डिफरेंट पर्पस के लिए पाला जाता है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इस नस्ल की गाय एक दिन में 40 से 50 लीटर दूध देती हैं और इस नस्ल का बैल इतना ताकतवर होता है कि फ्रांस के लोग इस बैल से भारी वजन उठाने से लेकर खेतों में हल चलाने तक का काम लेते हैं। इस नस्ल के बैल तकरीबन 1100 किलोग्राम तक वजनी होते हैं, इसीलिए इन्हें गोश्त के हसूल के लिए भी पाला जाता है। दोस्तों इस नस्ल को बहुत ही ज्यादा डाइट की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा दूध, ताकत और गोश्त के लिए खुराक तो चाहिए ही होगी, इसीलिए फ्रांस के लोग इस बैल को दी रॉक के नाम से भी पुकारते हैं। नंबर फाइव पर है साउथ डेवन। इस नस्ल का ताल्लुक ब्रिटिश से है और इसे ब्रिटिश की सबसे बिगेस्ट और हैवीएस्ट बुल ब्रीड भी कहा जाता है।
वाकई इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि इस नस्ल के बैल का वजन तकरीबन 1300 से 1500 किलोग्राम तक होता है। एक मरतबा इस नस्ल के एक बैल का वजन 2000 किलोग्राम भी रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, पहले तो इस नस्ल के मवेशियों को ज्यादा दूध हासिल करने के लिए पाला जाता था, लेकिन इनका वजन ज्यादा होने की वजह से इनका गोश्त भी बिकना शुरू हो गया और अब इस नस्ल को ज्यादा से ज्यादा गोश्त के हसूल के लिए पाला जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद बैलों की चंद उम्दा तरीन नस्लें। इनमें से मुझे तो सबसे अच्छी अपने पाकिस्तान ही की नस्ल सिब्बी बाघनारी लगी। आपको इनमें से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी लगी, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आखिर पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा कि अक्सर आप सब ने इंटरनेट पर वीडियोस देखी होंगी जिनमें अनाड़ी कसाईयों की गलती की वजह से लोगों के कुर्बानी वाले जानवर भाग जाते हैं या फिर उन्हें चोट लग जाती है, और इसके अलावा भी कई ऐसे हादसात हो जाते हैं जिनमें लोगों को भी चोट लग जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जिस शौक से हम अपना कुर्बानी वाला जानवर लेकर आते हैं, उसी शौक से हमें उस जानवर को ज़िबा करने के लिए एक प्रोफेशनल कसाई भी ढूंढना चाहिए, ताकि हम ऐसे हादसा से बच सके। दोस्तों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।